अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बेबी गर्ल्स के प्यारे प्यारे ड्रेसेस यानी कि फ्रॉकों की है, जो आपको पसंद भी आएंगे और आप कोशिश कीजिएगा कि इस तरह के ड्रेसेस ज़रूर स्टिच करें या करवा लें, क्योंकि बहुत प्यारे प्यारे से स्टाइलिश वाले ये फ्रॉक हैं, न्यू लुक के साथ आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि रेड अम्ब्रेला आपने देखा होगा, डबल अम्ब्रेला है, लेकिन इसकी लुक कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। बैक की डिज़ाइनिंग बहुत ज़बरदस्त। और इसी तरह से अगर आप चेक फैब्रिक के फ्रॉक बनाना चाहें तो वो भी फ्रिल वाले बहुत प्यारे प्यारे से तैयार हो सकते हैं, 8 ईयर्स तक की बेबी गर्ल्स के जितने भी प्यारे प्यारे से ड्रेसेस आपने बनाने हों या बनवाने हों, आप बना सकती हैं। अगर ट्राई करें तो, कोशिश करें तो क्या काम नहीं होता। कुछ लोगों को शौक बहुत होता है, लेकिन वो उलझ जाते हैं कि हम ये करेंगे पता नहीं हमसे होगा कि नहीं होगा, लेकिन अगर वो कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। अगर आप लाइनिंग वाले, ये देखें कितने अच्छे अंदाज से, अगर पैनल कट अम्ब्रेला कट कर इस तरह से सेंटर में अटैच करें पैनल को यानी कलियों को, तो बहुत प्यारा सा फ्रॉक तैयार हो सकता है। लाइनिंग वाले और चेक वाले फ्रॉक अमूमन बहुत पसंद किए जाते हैं, क्योंकि ये इस तरह के फ्रॉक होते हैं कि आप इनमें 2, 3, 4 तरह का भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे कि चेक अगर 2 कलर का है तो उसमें तीसरे कलर की पाइपिंग यूज़ की जा सकती है, कंट्रास्ट बटन लगाए जा सकते हैं, इनर लगाया जा सकता है, या कोई प्यारी सी लेस भी कंट्रास्ट लगाते हैं तो फ्रॉक की खूबसूरती और बढ़ जाएगी। इस तरह के डिज़ाइन बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। अगर आपको बनाने हों तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और कोशिश भी कीजिएगा कि मेरे चैनल का विजिट करें और मेरे चैनल का को सर्च करें, फेमिता फैशन बुटीक, उनके चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट को ऑन करें। प्लेलिस्ट पर जाएंगी तो आपको उधर कटिंग स्टिचिंग ट्यूटोरियल जहां नज़र आए, प्लेलिस्ट को ऑन करें और वहां से आपको बहुत कुछ मिलेगा देखने को कटिंग के बारे में, और आप सीख सकते हैं वहां से अपने लिए, अपनी बेबीज़ के लिए प्यारे प्यारे ड्रेसेस की कटिंग स्टिचिंग, जो कि आप लोगों को उम्मीद है पसंद भी आएगी। वीडियो लास्ट तक देखा करें, बहुत मेहरबानी होगी आपकी, और आपसे रिक्वेस्ट भी मैं करती हूँ कि वीडियो लास्ट तक देखा करें। और एक और रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, मेहरबानी होगी। वीडियो लास्ट तक देखने के बाद अच्छे से कमेंट्स भी किया करें, अच्छा लगता है। आप लोग जब दुआओं वाले कमेंट्स करते हैं, आमीन कहते हैं, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग वाकई पूरी वीडियो देखते हैं। अल्लाह आपको खुश रखे हमेशा।